सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र क्या है? सुभाषितम, मीठा बोलना सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। लोग मंत्र की साधना करते हैं दूसरों को बस में कर लें, और पता नहीं वशीकरण मंत्र कब सिद्ध होगा, कब देवी आएगी, कब राजी होगी, कब तुम्हें वरदान देगी, और कब कौन तुम्हारे वशीकरण में आएगा। किंतु तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र तो है सुभाषितम, मीठा बोलना सीखो, मधुर वचन का प्रयोग करो, कटु वचन मत बोलो, व्यंग की बात मत करो, आरोप की भाषा मत बोलो, किसी पर दोषारोपण मत करो। तुम्हारे पास तो स्वयं वशीकरण मंत्र है कि आदमी अपने आप तुम्हारे व्यवहार से वश में हो जाएगा, परंतु बड़ा कठिन है। रत्न का व्यापार करने वाले भी सोचें कि उन्हीं को रत्न न माने, तीनों को और जोड़ दें साथ, हीरा माणक पन्ना नीलम, ये सारे लहसुनिया, ये सब रत्न है। रत्नों की बहुत बड़ी संख्या है, सूची है, बहुत लंबी सूची है रत्नों की, उन्हीं को न माने, साथ में तीन को और जोड़ दें कि पानी भी रत्न है, अन्न भी रत्न है, और मीठा बोलना भी रत्न है, सुभाषित रत्न है। इसको जोड़ दें तो शायद उन रत्नों का भी मूल्य बढ़ जाएगा, और इनको नहीं जोड़ते हैं तो उन रत्नों का भी मूल्य घट जाता है। पदार्थ का मूल्य आगे, चेतना का मूल्य तो और ज्यादा है, पर पदार्थ का मूल्य भी समान नहीं होता। एक आदमी ऐसा था कि बहुत काम करता, देता, सबको करता, पर अंत में एक ऐसा कड़वा वचन कहता, किया कराया सारा साफ। कोई भी मांगने जाता चंदा भी दे देता और कुछ कर देता, सब जाने लगते तब कहता, क्यों भिखारी हो, झोली लिया फिर रहे हो, अब क्या कराया सारा साफ हो जाता है।